बराकर नदी में बाबा सम्राट यात्री बस हादसा मामले में गिरिडीह पुलिस ने पीरटांड थाना में फिलहाल अज्ञात बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। घटना के तीसरे दिन सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा और DLSA सचिव ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अभी तक सिर्फ 4 मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख का मुआवजा दिया गया है। घायलों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लिहाजा हादसे में घायल अगर DLAS के जरिए क्लेम में प्रक्रिया में आते हैं तो उन्हें सहयोग किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को न्यूज विंग ने इस बड़े गड़बड़झाले की जानकारी जुटाई। उसके अनुसार दुर्घटनाग्रस्त बस बाबा सम्राट के मालिक राजू खान गिरिडीह का DTO कार्यालय भी काफी जिम्मेदार है, क्योंकि खुद बस मालिक और DTO कार्यालय को पता नहीं कि बाबा सम्राट बस के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल कोई और भी कर रहा है। लिहाजा कार्रवाई के दायरे में DTO कार्यालय और बस मालिक भी आते हैं। हालांकि इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी सवालों के घेरे में है। उसने एक ही नंबर की 2 गाड़ियों का इंश्योरेंस कैसे होने दिया, और वह भी तब जब सारा सिस्टम ऑनलाइन है। लेकिन इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई जांच टीम ने जांच शुरू की है। वहीं मामले की जानकारी जुटाने का प्रयास न्यूज़विंग ने किया तो कई बातें सामने आई है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त बस बाबा सम्राट यात्री बस रजिस्टर्ड नंबर से 1 बजाज स्कूटर स्पिटर में भी इस्तेमाल हो रहा है। दुर्घटनाग्रस्त बस बाबा सम्राट गुमला से रजिस्टर्ड है और गुमला से किसी और से गिरिडीह के बस मालिक राजू खान ने उसे खरीदा था। वहीं बस के रजिस्ट्रेशन पर 1 बजाज स्पिटर स्कूटर चल रहा है और इसकी जानकारी DTO कार्यालय और बस मालिक तक को नहीं है। वहीं स्कूटर के मालिक पंकज कुमार बिहार के पटना के शिकारपुर के परवा के रहने वाले हैं, जबकि यात्री बस बाबा सम्राट के मालिक राजू खान हैं। वहीं इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी संदीप जमुआर का दावा है कि पहले उनकी कंपनी में इस यात्री बस का बीमा हुआ है। इस आधार पर DTO कार्यालय से भी पहले बस को ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, जिसके आधार पर उनकी बीमा कंपनी में बीमा हुआ था। उधर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी संदीप जमुआर के एक दावे को गिरिडीह DTO कार्यालय गलत साबित करते हुए दावा कर रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त यात्री बस बाबा सम्राट का इंश्योरेंस फेल हो चुका है। वहीं जिम्मेदारी और मुआवजे को लेकर DTO और बस मालिक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सच्चाई यही है, लेकिन जो स्कूटर के नाम पर पॉलिसी है वो ऑनलाइन पॉलिसी लिया हुआ है। ऑनलाइन पॉलिसी लिया हुआ है वो 16 जुलाई 2023 से है 15 जुलाई 2024। गाड़ी नंबर है JH07H2906 बजाज स्पिरिट। सही है गलत है कौन लिया है पॉलिसी हम नहीं जान रहे हैं। पंकज कुमार नाम है। कहाँ के हैं ये पंकज कुमार? ये पटना दिखा रहा है एड्रेस पटना दिखा रहा है। और रही बात जो बस एक्सीडेंट की है, हाँ। ये बस हमारे पास इंश्योरेंस में आया था 2020 में, अक्टूबर 2020 में, लेकिन गाड़ी नंबर सेम है, दोनों का सेम गाड़ी नंबर है, इंजन नंबर चेंज नंबर दोनों गाड़ी का, टू व्हीलर और बस का अलग अलग है, लेकिन ये गाड़ी मेरे पास इंश्योरेंस फेल हुआ है 13 अक्टूबर 2021 को। मतलब 2 साल पहले ये बस का इंश्योरेंस फेल हो गया। लगभग 3 साल लगभग 3 साल हो गया है। अब इस बीच अगर ओनर कहीं और इंश्योरेंस कराएंगे तो इसकी जानकारी हमको नहीं। 8:30 बजे की ये घटना है। लगभग 7 से 10 मिनट में सभी लोगों ने रश किया, प्रशासन और मेडिकल टीम, और सभी लोगों को लगभग 45 से 50 मिनट में रेस्क्यू किया। 3 लोग सदर अस्पताल में ब्रॉड डेड थे, एक को पास के प्राइवेट अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया था, लेकिन लेट नाइट उनके भी गुजर जाने की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई। 3 लोगों को हम लोगों ने PMCS धनबाद रेफर किया था, जिसमें कि एक को फर्दर रांची रिम्स में रेफ़र किया गया है। बाकी शेष जो भी हैं वो सामान्य तौर पे इंजर्ड थे और सभी को फर्स्ट एड के बाद में सर्टन रेस्ट के बाद में रिलीफ कर दिया गया है, और उनके साथ में हम लोग कॉन्टैक्ट में फर्दर मेडिकल असिस्टेंस के लिए। जो 4 डिसीज्ड हैं जिनकी की मृत्यु हुई, उनके जो भी आश्रित हैं उनको चिन्हित करके हम लोगों ने मुआवजा का 1-1 लाख रुपए का जो आपदा विभाग का प्रावधान है वो हम लोग हमारे पास रेडी है। अभी दाह संस्कार के बाद में हम लोग अपने फैमिली से कॉन्टैक्ट किया है। अभी हमारी प्रशासन की टीम जाएगी उनके घर, पर्सनली विजिट करके उनको ये चेक सौंपेगी। विभिन्न सेफ्टी नॉर्म्स है जो कि व्हीकल, चाहे वो इंश्योरेंस फिटनेस या लाइसेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी ओवर स्पीडिंग से रिलेटेड हो, उस पर जाँच की जा रही है। 4 मेंबर कमेटी SDO SDPO DTO और MVI की हम लोगों ने गठित कराया है। चाहे वो विभिन्न व्हीकल्स के विभिन्न जो लाइसेंस या पेपर्स से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे उनके ओवर स्पीडिंग हो, चाहे वो विभिन्न हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करने से संबंधित हो, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। चाहे लाइसेंस जो निर्गत होता है आमतौर पर प्राइवेट व्हीकल्स, पब्लिक व्हीकल्स, स्कूल की गाड़ियाँ, उसको भी हम लोग प्रॉपरली एनफोर्स करेंगे। DTO MVI
एक नई टीम है, इसके साथ में हम लोग पूरे टीम को रिशफल करेंगे पूरे जिला परिवहन कार्यालय को, ताकि जो भी प्रोटोकॉल है नॉर्म से और जो भी विभाग के जो गाइडलाइंस उसको हम लोग किस प्रकार से अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रीबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।